एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने खालिस्तानी अमृतपाल कफू का पुतला राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडियाल के नेतृत्व में जगाधरी बस स्टैंड के समीप खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल का पुतला जलाया और खालिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर वीरेश शांडियाल ने कहा कि हमारा फ्रंट 25 साल से खालिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहा है। जरनैल सिंह भिंडरवाला के खिलाफ, बब्बर खालसा के आतंकवादियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर जमीनी और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सारा हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र एंटी टेरर फ्रंट ऐसा है जिसने 12 नवंबर 2022 को और 4 फरवरी 2023 को पंजाब के राज्यपाल को ज्ञापन दिया, बनवारी लाल पुरोहित जी को, कि आप जो अमृतपाल सिंह के साथ लोग चल रहे हैं वो आतंकवादी हैं, अमृतपाल आईएसआई का एजेंट है, इसको बब्बर खालसा की फंडिंग होती है, इसके हथियार सारे रद्द किए जाएं, कब्जे में लिए जाएं, लाइसेंस रद्द किए जाएं, लेकिन किसी ने नहीं हमारी सुनी। और अब जब पैरामिलिट्री फोर्स अमित शाह ने भेजी, अब वो वारिस पंजाब का अमृतपाल, कभी बाप अपने बच्चों को छोड़कर भागता है, वो वारिस पंजाब जो खालिस्तान की बात करता था, अभी तो अंगड़ाई ली है केंद्र सरकार ने, अमित शाह ने, उसका पता नहीं केश काट कर और दाढ़ी काट कर कौन से रूप में भैरूपिया बन के फरार हो गया। हिंदुस्तान में खालिस्तान की बात करने वालों को गोली मारने का कानून लाए और जितने भी आतंकवादी पकड़े हैं, जो लोग अमृतपाल का और खालिस्तान का नाम लें और उनकी वकालत करें, उनके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह की सेक्शन लगाकर उनको जेल भेजा जाए।